दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह सप्ताह के अंतर्गत गृह विज्ञान विभाग तथा पूर्वांचल संग्रहालय द्वारा परंपरागत वस्त्रों की प्रदर्शनी वस्त्रम पूर्वांचल संग्रहालय में आयोजित की गई, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह द्वारा किया गया। प्रोफेसर राजवंत राव पूर्वांचल संग्रहालय समन्वयक तथा डॉक्टर दिव्या रानी सिंह के द्वारा मुख्य अतिथि को उत्तरीय तथा स्मृति चिन्ह चरखा भेंट किया गया। प्रदर्शनी के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों के प्रचलित परंपरागत वस्त्र कढ़ाइयों तथा छपाई का प्रदर्शन किया गया, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश की चिकनकारी, गुजरात की कक्ष, कर्नाटक की कसूती तथा पश्चिम बंगाल का कांथा इत्यादि को सम्मिलित किया गया। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के पश्चात गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह ने कहा, स्नान कर रहा है और ईसवी सन के आसपास रोम के सीनेटर्स इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं कि भारत से कसीदाकारी युक्त वस्त्र मंगाने में रोम का सारा सोना हिंदुस्तान चला जा रहा है। तो हिंदुस्तान वस्त्र उद्योग के संबंध में पूरे दुनिया में इसकी महारत हासिल की, लेकिन 15वीं शताब्दी में भारत के इंजन ने हाथ से काम करने वाले दस्तकारी को मार डाला। लेकिन मित्रों, हाथ से काम करने वाली दस्तकारी जब तक मनुष्य है, नए नए हुनर के साथ उभरता है, इसे कोई मार नहीं सकता। जब तक मनुष्य है तब तक उसका हुनर है और तब तक ये हाथ से काम होने वाली दस्तकारी। हाथ से बनने वाले वस्त्र ही आते हैं, इसलिए मैं और गृह विज्ञान के अध्यक्ष से बच्चों को, विज्ञान के बच्चों को तैयार किया, कसीदाकारी को धरती पर उतारा है। ये हमारे असम देश में विभिन्न तरह की एम्ब्रॉयडरी है, पेंटिंग है, वीविंग है, जो वस्त्र पे कॉटन के वस्त्रों पर की जाती है। हमारे देश का जो कलाकृतियाँ हैं उसको ये संकलित करके यहाँ पे विभिन्न प्रदर्शनों के बाद जो स्पेशलिटी हर प्रदेश की अलग अलग स्पेशलिटी होती है उसको एक कमरे में प्रदर्शन की गई है, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश की कितनी डाइवर्सिटी, कितनी विविधता है, कलात्मक विविधता बहुत ज़्यादा है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विशेषताएँ रही हैं, जैसे लखनऊ का आपका चिकन करी है, उसके अलग अलग क्षेत्र अलग है। तो हैंडलूम से रिलेटेड जो हमारे जो विशेषताएँ हैं अलग अलग प्रदेशों के लिए वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है।